हेलो फ्रेंड्स, टीए कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप के बारे में। फ्रेंड्स, आज डेस्कटॉप की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, इसीलिए बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप इज द मेन स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर और एमएस विंडोज। मतलब डेस्कटॉप जो है कंप्यूटर का मेन स्क्रीन है, इसलिए हम लोग मेन स्क्रीन कहते हैं, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही स्क्रीन आता है, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर का मेन स्क्रीन कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है इसमें कोई और कि एमएस विंडो का भी मेन स्क्रीन है। इसका मतलब ये है कि जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, और बूटिंग प्रोसेस जब खत्म होता है तो ये स्क्रीन आती है, इसीलिए हम लोग एमएस विंडो का मेन स्क्रीन डेस्कटॉप को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑल्सो ए लोकेशन वेयर फाइल फोल्डर एंड प्रोग्राम कैन बी स्टोर्ड। इस डेस्कटॉप को हम लोग एक जगह या लोकेशन भी कह सकते हैं जहां पर हम फाइल को, फोल्डर को या कोई एप्लीकेशन को स्टोर कर सकते हैं, यानी हम रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप आर आइकॉन, टास्क बार एंड पॉइंटर। इसका मतलब ये है कि जो डेस्कटॉप का ये जो मेन कंपोनेंट मतलब मेन अंग जो है वो तीन चीजें हैं। सबसे पहले क्या है, ये टास्क बार, ये जो नीचे में बार दिख रही है उसको कहते हैं टास्क बार, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस को रख सकते हैं, या जो भी एप्लीकेशन पर आप काम कर रहे हो वो यहाँ पर दिखती है। जैसे कि हमने ये फाइल ओपन कर रखा है, ये देखिए ये फाइल यहाँ पर दिख रही है, ओपन है, एक ये फाइल ओपन है दिख रही है, और बहुत सारे आइकॉन्स आपको दिख रही है जो कि हमने रखा है, जो कि रिसेंटली यूज प्रोग्राम है। अक्सर हमें इसका काम पड़ते रहता है, इसलिए हम टास्क बार में रखे हैं ताकि तुरंत हम ओपन कर सकें, तो इसे कहते हैं टास्क बार। नेक्स्ट है आइकॉन्स। आइकॉन्स किसे कहते हैं, ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये सबको कहते हैं आइकॉन्स, जो किसी न किसी प्रोग्राम से एसोसिएटेड रहता है। किसी एक आइकॉन के अगर दो फाइल देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि दोनों फाइल एक ही प्रोग्राम के हैं, तो ये छोटे छोटे जो पिक्चर्स हैं वो सारे आइकॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट है पॉइंटर, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं डेस्कटॉप जो तीर जैसा सिम्बॉल घूम रहा है इसको कहते हैं पॉइंटर। इसका मतलब इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज को पॉइंट करने के लिए, मतलब दर्शाने के लिए। नेक्स्ट है वी कैन ऑल्सो हाइड द कॉम्पोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप टू डिस्प्ले द मैक्सिमम एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। इसका मतलब ये जो डेस्कटॉप की जो कॉम्पोनेंट है उसको हम हाइड कर सकते हैं ताकि हम डेस्कटॉप के मैक्सिमम एरिया को देख सके। हाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर जहां पर खाली जगह है, और व्यू ऑप्शन में जाएंगे और यहां पर हम सेलेक्ट कर लेंगे शो आइकॉन डेस्कटॉप को क्लिक करेंगे, और देखिए ये सारे आइकॉन्स गायब हो गए। तो गायब करने का मतलब ये है कि हमें मैक्सिमम स्पेस डेस्कटॉप का दिख सके। तो मैक्सिमम स्पेस देखने के लिए हम लोग आइकॉन्स को हाइड कर सकते हैं। इसको वापस लाने के लिए हम लोग माउस राइट क्लिक बटन प्रेस करेंगे, एक मेन्यू खुलेगा, इसमें हम व्यू ऑप्शन में जाएंगे और वापस शो डेस्कटॉप आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो ये सारे आइकॉन्स डिस्प्ले करने लगेगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हम इस टास्क बार को अगर हाइड करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा एक शो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में हम जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको मिलेगा ऑटो हाइड द टास्क बार, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करके अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए टास्क बार जो ऑटोमेटिक हाइड हो गई। हम हाइड क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो फाइल का मैटर है वो छिपे नहीं, इसीलिए हम टास्क बार को हाइड कर देते हैं। वापस इसको अनहाइड करने के लिए हम लोग पॉइंटर को नीचे लाएंगे, और नीचे लाने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये जो डायलॉग बॉक्स खुला उस पर वापस इसको अनचेक कर देंगे, जो कि लिखा हुआ हाइड ऑटो हाइड द टास्क बार, इसको अनचेक करेंगे और अप्लाई कर देंगे, इसके बाद ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये टास्क बार अवेलेबल हो गई। इस टास्क बार को हम लोग मूव भी कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप के बॉटम एरिया में है, हम अगर चाहते हैं कि इसको राइट हैंड साइड में ले जाए, ये देखिए हम खींच करके ड्रैग करके राइट हैंड साइड में छोड़ देते हैं तो ये टास्क बार यहीं रह जाएगी। अगर हम चाहते हैं ये ऊपर में आ जाए तो हम इसको पकड़ेंगे और ड्रैग करके ऊपर में छोड़ देंगे तो ये टास्क बार ऊपर चले गए। इसी तरह हम लेफ्ट में भी रख सकते हैं और बॉटम में भी रख सकते हैं। हम इसलिए रखते हैं ताकि जो मैक्सिमम एरिया है स्क्रीन की या डेस्कटॉप की या जो फाइल ओपन फाइल है वो हाइड ना हो, इसीलिए हम इसको मूव कर सकते हैं टास्क बार को, या तो हम हाइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी कैन ऑल्सो चेंज द बैकग्राउंड ऑफ डेस्कटॉप, यानी कि हम डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड है इसको, इसके थीम या कलर को हम चेंज कर सकते हैं या इमेज को चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो ब्लैंक एरिया में हम राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद जो सबसे नीचे ऑप्शन आ रही है पर्सनलाइज में सेलेक्ट करेंगे। पर्सनलाइज सेलेक्ट करते ही एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर बहुत सारे थीम्स आपको दिखाई देंगे। तो अभी जो है एक्टिव थीम यही सिलेक्ट हुई है, हम देखिए यहाँ पर हम दूसरा थीम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके हम क्लोज करते हैं इसको। देखिए ये चेंज हो गई है, बैकग्राउंड कुछ और आ गया, पहले कुछ और था। अगर हम दोबारा कुछ और हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम पर्सनलाइज में जाएंगे राइट क्लिक करके, और हम कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे थीम हमारे पास है, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, ये देखिए चेंज हो गई है। हम यहाँ से नेक्स्ट इमेज को भी ला सकते हैं, नेक्स्ट इमेज आ गई, अगर ये पसंद है आपको तो नेक्स्ट हम कर सकते रख सकते हैं, या तो हम नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो थीम में बहुत सारे इमेजेस है वो ऑटोमेटिक चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आप यहाँ डायलॉग बॉक्स में देख रहे हैं कि बहुत सारे पिक्स आपको दिख रही है, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रहता है ये सारे इमेजेस। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारे इमेजेस हैं जो कि एक एक करके कुछ सेकंड बाद चेंज होते रहेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं चेंज ना हो, एक ही पिक हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड में, यहाँ जा करके यहाँ आपको बहुत सारे पिक मिलेंगे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके हम सेव चेंजेस में कर देते हैं, तो क्या होगा, डेस्कटॉप का जो कलर है डिज़ाइन है वो यही चेंज रहेगा और ये पिक चेंज नहीं होगी जो कि थीम में चेंज हो रही थी। तो इस तरह से हम डेस्कटॉप का कलर हम या डिज़ाइन या बैकग्राउंड या इमेज हम चेंज कर सकते हैं।